हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, जो खेल होते हैं ना, स्पोर्ट्स होते हैं, गेम्स होते हैं, तो इसमें एक खेल होता है लॉन टेनिस, और इसके होते हैं ग्रैंड स्लैम। चार ग्रैंड स्लैम होते हैं आपका, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ठीक है, तो ये चारों जो है एक क्रम से पूरे साल, जनवरी में कोई, मई में कोई, सितंबर में कोई, दिसंबर में, इस तरीके से खेले जाते हैं। तो ये वर्ष 2021 के जो प्रमुख खेल आयोजन हुए हैं, चारों जो ग्रैंड स्लैम हैं, तो इन पर प्रश्न आपने देखा होगा कि चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे समीक्षा अधिकारी, चाहे कुछ भी परीक्षा हो, यहाँ से प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें प्रश्न कैसे आता है, जो जैसे पुरुष एकल विजेता कौन है, महिला एकल विजेता कौन है, उनका नाम क्या है, किस देश के हैं, ठीक है, और उपविजेता कौन है, किसको हराया है, तो वो किस देश के हैं, ठीक है। और फिर इसमें इसमें युगल वाला भी होता है कि युगल में मतलब जो है कौन जीता कौन हारा, फिर मिक्स्ड डबल में होता है, ठीक है। तो देखिए, जो पुरुष एकल और महिला एकल विजेता है, यहाँ पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मिक्स्ड वाला तो बहुत कम पूछा जाता है, युगल वाला कम पूछा जाता है, क्यों? और जब युगल में या मिक्स्ड में अगर कोई भारत का खिलाड़ी शामिल है, तो उस कंडीशन में यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए हमने जितना आपको यहाँ पर इस वीडियो में अभी बताएंगे आगे चल करके, तो उतना अगर आप पढ़ लेंगे, तो अगर इस टॉपिक से सवाल आया, तो आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और पहला आपका है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, 2021। ये पुरुष एकल विजेता इसके हैं नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के रहने वाले हैं। ठीक है, तो नाम आपको याद रखना है, नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। इन्होंने किसको हराया है, वो विजेता कौन है, डेनियल मेदवेदेव, कहाँ के हैं, रूस के हैं। तो जो हरा हुआ है, जो उपविजेता है, उसका भी आपको देश याद रखना और नाम याद रखना है। ठीक है, तो जीता हुआ खिलाड़ी, हारा हुआ खिलाड़ी, उनके दोनों के देश, ठीक, एक तो यहां से प्रश्न बनेगा। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने कौन सा खिताब जीता है, इनका कोई रिकॉर्ड है अपने जो करियर में, या मतलब ऑस्ट्रेलियन में कौन सा इनका है, या कुल खिताब कितने जीते हैं। तो नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का कुल 9वीं बार, ठीक है, यानी कि ये जो है 9वीं बार इस खिताब को जीते हैं, और अपने टेनिस करियर का 18वां खिताब, यानी कि पूरे टेनिस करियर में इनका ये 18वां है, और सिर्फ अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात की जाए, तो इनका ये 9वां खिताब है। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और महिला एकल विजेता कौन है, नाओमी ओसाका, ठीक है, शॉर्ट में कभी कभी एन ओसाका भी लिखा होता है, जापान की है ये, और उप विजेता इन्होंने हराया है जेनिफर ब्रेडी को, अमेरिका की खिलाड़ी है। ठीक है, अब नाओमी ओसाका द्वारा जीता गया यह है चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब, यानी टोटल जो है इनके करियर का ये चौथा है। ठीक, नाओमी ओसाका द्वारा दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता गया है, पहली बार इन्होंने 2019 में जीता था। ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन इनका दूसरा है, पहला कब था, 2019 में जीता था, दूसरा वाला 21 में जीता। ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, तो इन्होंने अभी तक कुल 4 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो ये तो हो गई बात ऑस्ट्रेलियन ओपन की, बस इतना ही अगर आपने पढ़ लिया, दिमाग में आपके रहा, तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मैं दावा कर कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मतलब मेरा अनुभव इसी सब से पूछा जाता है, मिक्स्ड वाला, युगल वाला, ये सब कहीं पूछा जाता नहीं। ठीक है, तो मतलब और उसमें बड़े बड़े मतलब खतरनाक नाम है, मतलब दुनिया भर के नाम आपको याद करने हैं। ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है, चूंकि इंडिया का जब खिलाड़ी कोई शामिल नहीं है उन स्पर्धाओं में, तो नहीं पूछा जाता। ठीक है, लेकिन अब चूंकि ये पुरुष एकल वाले, महिला एकल वाले, ये ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, अगला आपका है फ्रेंच ओपन 2021। इसके पुरुष एकल विजेता है नोवाक जोकोविच, ठीक है, सर्बिया के हैं ये भी, और अभी इन्होंने पिछला ऑस्ट्रेलियन भी इन्होंने जीता है। वो विजेता है आपके स्टेफानोस सित्सिपास, ये ग्रीस के रहने वाले हैं, इनको हराया है जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच टेनिस के चारों ग्रैंड स्लैम खिताबों में से प्रत्येक को न्यूनतम 2 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। ध्यान रखिए, तो चारों ग्रैंड स्लैम हैं, तो ये जो चारों में से सब सभी, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन हो, फ्रेंच हो, विंबलडन हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, ठीक है, सबको ये दो दो बार जीत चुके हैं, और ऐसा करने वाले ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं कि हर ग्रैंड स्लैम को इन्होंने 2 बार जीता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नोवाक जोकोविच ने कुल 20 ग्रैंड स्लैम जीतकर राफेल नडाल, अभी देखिए जब ऑस्ट्रेलिया वाला जीता था, तो इनका 19वां था, ठीक है, ये फ्रेंच भी जीता तो 20वां हो गया, जीतकर राफेल नडाल और रोजर फेडरर
के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। यानी कि अभी तक राफेल नडाल और रोजर फेडरर ने ही 20-20 ग्रैंड स्लैम जीते थे, लेकिन अब इस श्रेणी में नोवाक जोकोविच भी शामिल हो गए, इनके भी कुल 20 ग्रैंड स्लैम हो गए हैं। ठीक है, तो अब प्रश्न ये भी बन सकता है कि किन खिलाड़ियों के 20 ग्रैंड स्लैम हो गए हैं, या विश्व के तीन ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो आप बताएंगे राफेल नडाल, रोजर फेडरर और जोकोविच, तीन खिलाड़ी हो गए हैं। महिला एकल विजेता है बारबोरा क्रेजीरकोवा, ये चेक गणराज्य की हैं, इन्होंने हराया है। उपविजेता हैं अनास्तासिया पाविल्यू चेंको, बड़े अजीब नाम भाई साहब, बताइए क्या, रूस की रहने वाली है, ऐसे ऐसे नाम है। ठीक, तो मतलब आपको ये एक हिस्सा याद कर, मतलब नाश्ता करके ऐसे याद कर लीजिए, तो आपको दिमाग में रहेगा। ठीक, बारबोरा हो गया, अनास्तया हो गया, इस तरह से याद करिएगा, वरना पूरा नाम तो आप भूल जाए, मतलब याद नहीं होगा। बारबोरा क्रेजिस्कोवा महिला एकल खिताब जीतने वाली चेक गणराज्य की पहली महिला खिलाड़ी, ध्यान रखिएगा। ऐसे जब सवाल होते हैं ना, पहली है या मतलब उनका मतलब किसी मतलब कोई जब बहुत इंपॉर्टेंट होता है तब तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तो हो सकता है इनका नाम पूछ दिया जाए कि फ्रेंच ओपन में जो है किसने जीता है, और मतलब चूंकि चेक गणराज्य की पहली महिला बन गई है ये खिताब जीतने वाली, तो ये आपका हो गया फ्रेंच ओपन, इतना आपको पढ़ना है। अगला आपका आएगा विंबलडन ओपन, ठीक है, 2021, और पुरुष एकल विजेता आपके हैं नोवाक जोकोविच, फिर तीसरा भी इन्होंने जीत लिया। वो विजेता है माटेओ वेरेटिनी, इटली के हैं, और नोवाक जोकोविच द्वारा जीता गया है छठा विंबलडन पुरुष एकल खिताब, यानी कि छठवीं बार ये जीते हैं। ठीक है, छठवीं बार ये जीते हैं, और ये जो है नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का 19वां ग्रैंड स्लैम, अब 19वां नहीं देखिए, 19 तो वहां पर किया था, अब चूंकि न्यूज पुरानी होगी, ठीक है, तो अब इनके क्या हो जाएंगे, अब जो है 20 या 21 इनके हो जाएंगे, थोड़ा इस पर तो आप लोग देख लीजिएगा नेट पे कि यहाँ पर क्या है, चूंकि अभी इन्होंने फ्रेंच वाला जीता था तो आपके 20 हो गए थे। ठीक है, तो अब देखिए 21 है कि क्या है, थोड़ा सा इस लाइन मुझे थोड़ा खुद ही डाउट है, थोड़ा हो सकता है गलती से मिसप्रिंट हो गया हो या कुछ टाइप हो गया हो, तो इस लाइन को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और महिला एकल विजेता आपकी है एस्ले वार्टी, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने हराया है, वो विजेता बनी है कैरोलिया प्लिशकोवा, ये चेक गणराज्य की है। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है, मतलब अब एग्जामिनर आपको उलझाता है, अब उसे पता है कि आपने विजेता तो पढ़ा ही होगा लेकिन उपविजेता नहीं पढ़ा होगा, तब आपको उपविजेता भी पढ़ के जाना है, उपविजेता का देश भी याद करना है, क्योंकि अब ऐसे ही उल्टे सीधे उटपटांग प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आयोग फंसाने का प्रयास करता आप लोगों को। अब ये देखिए, ये जो बारबोरा वाली लाइन, ये तो है पहले वाली लाइन आ गई है। ठीक है, तो इस लाइन को आप जो है पूर्व वाले में समझें, इसमें ये चौथी वाली जो लाइन है ना, बारबोरा कैसे हुआ महिला एकल खिताब जीतने वाली चेक गणराज्य की, पहले वाली की लाइन इसमें आ गई गलती से। ठीक है, चलिए और लास्ट आपका आ जाता है यूएस ओपन 2021। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, अमेरिकी ओपन भी इसको कहा जाता है, और पुरुष एकल विजेता है डेनिल मेदवेदेव, ये रूस के हैं, और वो विजेता आपके हैं, देखिए यहाँ पर जोकोविच साहब थोड़ा सा चूक खा गए और ये हार गए हैं मेदवेदेव से, और इस टूर्नामेंट का यह 141वां संस्करण था, डेनियल मेदवेदेव द्वारा जीता गया है पहला ग्रैंड स्लैम एकल खिताब, ध्यान रखिएगा इनका भी पहला है ये, उधर जो है बारबूरा का भी पहला था, और महिला एकल विजेता है आपकी एम्मा राडुकानू, ये यूके की है, उपविजेता है लेला फर्नांडिस, ये कनाडा कनाडा की हैं, और महिला एकल स्पर्धा में कोई ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली ब्रिटेन की पहली महिला खिलाड़ी एम्मा राडकुनू बनी है। ठीक है, और ये 1970 के बाद ऐसा है, तो ये आपके चारों हो गए या ग्रैंड स्लैम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, हमने कहा आपको एक बार रिवाइज करा दूं ताकि कोई मतलब यहाँ से गलती आपसे ना हो जाए, तो एक बार आप लोग फिर से अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, और चलिए फिर कुछ और भी करंट बचा है वो आपको हम जल्दी उपलब्ध करवाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।